हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारत की अर्थव्यवस्था फ्रांस से पिछड़ गई, मगर मीडिया चुप है क्योंकि वाहवाही के पैसे मिलते हैं, आलोचना के नहीं। गिरते रुपए ने मोदी सरकार की लौटी तथाकथित सफलता को भी असफलता में तब्दील कर दिया। कुछ समय पहले भारत की अर्थव्यवस्था 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई थी। कुछ हजार करोड़ के अंतर से हमने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया था। इसका हल्ला मोदी सरकार के प्रवक्ता से लेकर मंत्री तक ने मचाया, लेकिन रुपए के लगातार गिरने से अब भारत की अर्थव्यवस्था 2 लाख करोड़ रुपए से कम हो गई, जबकि बाकी देश वहीं बने हुए हैं जहां वो थे। इस कारण फ्रांस फिर से भारत से आगे चला गया, लेकिन सरकार खामोश है। भारत अब 2 लाख करोड़ डॉलर वाले बाजार पूंजीकरण क्लब का हिस्सा नहीं रहा। रुपए में कमजोरी और शेयर कीमतों में गिरावट से देश की बाजार कीमत घटकर 1.98 लाख करोड़ डॉलर रह गई, जो जुलाई 2017 के बाद का निचला स्तर है। भारत का बाजार पूंजीकरण इस साल की शुरुआत के 2.47 लाख करोड़ डॉलर के सर्वोच्च स्तर से 20% फिसला। कुछ नई कंपनियों के आने से बावजूद ऐसा हुआ जिसने बाजार पूंजीकरण में इजाफा किया है। भारत के बाजार पूंजीकरण में आई गिरावट में रुपए की कमजोरी का बड़ा योगदान रहा। रुपए इस साल अब तक डॉलर के मुकाबले करीब 15% कमजोर हुआ। साल 2018 में डॉलर के लिहाज से भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले बाजारों में शामिल है। 2 लाख करोड़ डॉलर वाले इक्विटी मार्केट क्लब में सिर्फ 3 देश फ्रांस, जर्मनी और कनाडा हैं। साल की शुरुआत में भारत का बाजार पूंजीकरण कनाडा से ज्यादा था, जबकि जर्मनी और फ्रांस के करीब करीब बराबर था। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।